हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप को परमानेंटली के लिए हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप को परमानेंट के लिए डिलीट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। आप जैसे ही व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हो आपके सामने इस तरीके का फेस ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर राइट साइड में 3 डॉट पिन दिखाई पड़ रहे हैं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर मिल जाता है अकाउंट वाला ऑप्शन। जैसे अकाउंट पर क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर सबसे नीचे आपको छठे नंबर पर एक ऑप्शन मिलता है डिलीट माय अकाउंट। आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक कर देने के बाद अब आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको यहाँ पर अपना नंबर फ्लिप करना है। अपना नंबर फ्लिप कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट माय अकाउंट। आपको व्हाट्सएप को डिलीट करने से पहले आपको यहाँ पर जो कुछ लिखा होता है आपको उसको जरूर रीड कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखा पड़ा डिलीट व्हाट्सएप योर फ्रॉम व्हाट्सएप, इरेस योर मैसेज हिस्ट्री, डिलीट योर फ्रॉम ऑफ आर व्हाट्सएप ग्रुप, डिलीट योर गूगल ड्राइव बैकअप, डिलीट योर पेमेंट हिस्ट्री एंड कैंसिल एंड पेंडिंग पेमेंट्स। जैसा कि आपको इसमें बताया जा रहा है कि आप डिलीट व्हाट्सएप अकाउंट को जैसे ही डिलीट कर देंगे आपका सारा डाटा जो व्हाट्सएप पर था वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली से अपने फ़ोन नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देना। फ़ोन नंबर को फिलअप कर देने के बाद आप जैसे ही डिलीट माय अकाउंट पर क्लिक करते हैं फिर आपसे यह कन्फर्मेशन मांगेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं फिर आपको व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ऐसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि इसी तरह की कमाल की वीडियो मिलती रहेंगी सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर।